थिंक मोस्ट पीपल यहाँ पे शायद खान सर को जानते होंगे जो नहीं जानते होंगे आज आप जान एक ऐसी हस्ती से कभी नहीं मिले होंगे क्योंकि लोग आपको टीचर बोलते हैं लेकिन आपसे बड़ा एंटरटेनर मैंने कोई नहीं देखा सर नहीं सीरियस ये नहीं समझ में आता है कि एजुकेशन इतना इंटरेस्टिंग चीज है लोग इसको कैसे बोरिंग बना सकते हैं तो पढ़ाई को इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि लोग इसके कहीं हटना ही नहीं चाहे हाँ एंड बिफोर वी गेट इन टू द इंटरव्यू मतलब मैं आपको इनके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं वो बात और होती है बट लेट मी शो यू द मास्टर एट वर्क ठीक है, le है? Physics. Physics. कोई सबसे बोरिंग सब्जेक्ट ले लेते हैं ठीक है फिजिक्स फिजिक्स उसमें कोई टॉपिक मैं याद कर रहा हूं अपने आईआईटी के दिन इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी को समझाना है बच्चे को बिहार में हो वो कहीं पे भी हो सकता है और जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कैसे होता है वोल्टेज वगैरह तीन चार मिनट में अगर समझाना है तो अगर मैं आपको बोलूँ इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर पढ़ना है बोलोगे माई गॉड सच ए बोरिंग टेक्स्ट बुक अब हम खान सर को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट सर देखिए हम लोग को जो पढ़ाना होता है तो उसमें एक एक्सपेक्ट ये भी होता है कि लड़कों को एग्जाम में पास करके एग्जैक्ट नंबर भी देना है तो हमें उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंचने में एक अच्छा खासा टाइम लगता है लेकिन समस्या क्या आ जाती है कि हमारे सामने बच्चा जो पढ़ के आ रहा है जो गांव से आ रहा है तो कई ऐसे सर गवर्नमेंट स्कूल या फिर ऐसे जगहों से वो पढ़ के आ रहा है कि जिसका स्टैंडर्ड एकदम मतलब हम एवरेज से भी नीचे समझ जाते हैं तो सबसे पहले तो चैलेंज हो जाता है उसको ऊपर लेके आना वहाँ तक तो एक इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप बोले वहाँ पे तो लड़के जब शुरू शुरू में आते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता कि एम्पियर क्या चीज़ है वोल्टेज में अंतर क्या समझ नहीं समझ पाते तो उनको समझाना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है तो वही एक छोटा मोटा कि हम लोग ये समझते कि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे दोस्त हमें अच्छे से समझा देते थे और वो देहाती भाषा में समझाते थे और टीचर लोग एक स्टैंडर्ड फॉलो करने लगते थे तो हमें ऐसा लगता था कि मेरा दोस्त ही ज्यादा जानकार है <laughs> लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर के पास नॉलेज रहता था बट बताते नहीं थे तो हम लोग के पास जब लड़के आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए तो उसको क्या समझाएगा आदमी कि इलेक्ट्रॉन एक, एक छोटा सा पार्टिकल होता है वो कितनी ज्यादा आ रहा है कितना ज़्यादा आ रहा है वो संख्या में दिख रहा है कितनी भीड़ आ रही है वो भीड़ उसके लिए एम्पियर हो गई कितनी भीड़ आ रही है और किस प्रेशर से भीड़ आ रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया अगर दो वोल्ट है तो उसका प्रेशर अलग चार है तो उसका प्रेशर अलग तो जहां भी हम लोग भीड़ से निकलते हैं तो क्या चीज़ होती है दो ही चीज़ें होती हैं भीड़ कितनी है और किस स्पीड से निकल रही है तो जितनी ज़्यादा में भीड़ है वो उसका एम्पियर हो गया जिस प्रेशर से निकल रही है वो उसके लिए वोल्टेज हो गया जितना ज़्यादा होगा वो तो इससे क्या होता है ना कि लड़के को पहले समझ में आता है कि नहीं वो रिलेट कहाँ करना है। फिर धीरे 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 तो वो तो चीज़ें उसको एग्ज़ाम तक तो पहुँच ही जाएगा लेकिन उसको अपने पास हौसला ना खो दे शुरुआत में ही इसलिए उसके एक फ्रेंड की तरफ बताना ज़रूरी होता है ठीक है यू <laughs> और मैंने तो वो वीडियो देखा है आपका इलेक्ट्रिक करंट का उसमें तो अभी तो आप फिर भी सिं... उसमें और भी है कि चार सौ चार्ट का झटका लगा तेरे छूने से वो एक्चुअली गाना था तो हमने उसी पे कोरिलेट कर दिया क्योंकि लड़के आजकल ना गाना वाना बड़ा सुनते रहते हैं सब आजकल तो हमें लगा कि यहीं से इन लोगों को मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अलग से टाइम निकालो बट जिस चीजों को वो देख रहा है जिसके सराउंडिंग्स में वो रह रहा है उसमें हर जगह पढ़ाई छुपी हुई है हम क्यों ना उसको उसी से कोरिलेट कर दें

प्रॉब्लम हो रहा था तो हमने बस उन लोगों को यही बताया कि जैसे आप लोगों को गुस्सा लगता है तो अलग अलग तरीके से कोई गुस्सा होता है कि कोई गुस्सा होगा तो गालियां देने लगता है कोई एक दो हाथ लगाने लगता है कोई श्रापने लगता है कि तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए वहाँ पे उसी तरह मेटल्स की अलग अलग खासियत होती है टंगस्टन उसमें है उसको करंट देंगे तो गुस्से से लाल हो जाएगा इसलिए हीटर में उसको लगाते हैं ये सॉरी टंगस्टन देंगे तो चमकने लगता है इसलिए बल्ब में डाल देते हैं अलग अलग चीज़ें होते हैं नाइक्रोम होता है चमक के हीट देने लगता है तो वही वो जिस चीज़ को देखा है उस चीज में उसको अच्छे से समझाया जाए मैंने आज तक ऐसा टीचर नहीं देखा सर बट <laughs> जो आप कर रहे हैं आई इवन टेल यू आप कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं हमारे देश में जैसे आपने कहा कि एक मजदूर को भी क्वांटम फिजिक्स समझ आ जानी चाहिए इतना बड़ा सपना लेना ही कि ये पॉसिबल भी है क्योंकि मैंने तो जहां तक देखा एक क्लास होती है इंडिया में उसी को इंग्लिश मिलती है और वो इंग्लिश जिसको मिलती है उसी को एक सर्टन टाइप ऑफ एजुकेशन मिलती है और फिर वही और आगे बढ़ता जाता है वही नौकरियां ले जाता है वही टॉप पोजिशन ले जाता है आपने उसको तोड़ने की कोशिश किया हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा डिसीजन था अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में हाँ जरूर है कि इंग्लिश मीडियम में या फिर जो आजकल स्टैंडर्ड उसमें हम जितने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं तो अगर हम हज़ारों की भीड़ अगर किसी चीज़ में लगाएंगे तो एक दो तो सफल हो आएंगे ही आएंगे ना लेकिन एक ये भी तो देखिए हमने कितने उसमें लगाए और कितना आउटकम आया यहाँ पर तो हिंदी मीडियम के आप स्कूल में हमारे यहाँ पे एक स्कूल में हम जब पढ़ रहे थे सरकारी स्कूल में तो ऊपर से टूट के गिर गया था छत थोड़ा सा तो फूट गया सर यहाँ पे मेरा अब बताइए वहाँ वहाँ के लड़का सबको तो पहले दिखना पड़ता है कि मेरा बिल्डिंग कैसा है तो ये सब भी तो मायने रखता है वहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि उनको जितना हम लोग अगर मोटिवेट करें या अच्छा एक चीज़ और भी है लोग सफल होने के बाद ना इंग्लिश को ज्यादा प्रीफर करने लगते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि इंग्लिश ही है बहुत बड़ी भाषा ही है ऐसा नहीं है भाषा बाधा नहीं होनी चाहिए खास करके एजुकेशन में जी हाँ बिल्कुल। आपका बचपन कैसा था मैंने सुना है बहुत आ, मतलब पैसे की कमी रही ये वो कितनी आपने गरीबी देखी है काफी तो मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि लोगों को पता लगा कि आपके बैकग्राउंड के लोग भी कितना ऊपर गए हैं तो इसके लिए ये बताना जरूरी है कि आपका बचपन कैसा था अब गरीबी की हम क्या बोले हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से ना देखे हों होंकि फिर भी कुछ चीज़ें थी दोस्तों ने काफी हेल्प किया वो अपने पॉकेट खर्च में से कुछ पैसे देते थे ताकि आदमी पढ़ सके यहाँ पे तो काफी दोस्तों ने भी हेल्प किया यहाँ पर और धीरे धीरे कुछ टीचर्स भी आए हैं वो लोग ने भी पहले कुछ टीचर थे जो मतलब बहुत कम फी में पढ़ाते थे तो हमें भी ऐसा लगा था कि जैसे हमारे साथ के बहुत सारे लड़के उनको अच्छी कोचिंग्स मिल गई 10th और 11th के बाद तो उन लोग काफी अच्छे-अच्छे जगह पढ़ने लगे हम लोग उनको देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये जगह हमारे लिए नहीं एक अलग सी फील आती थी कि ये मेरे लिए नहीं है यहाँ पर तो फिर जब हम लोग टीचिंग में आए तो हमने सोचा था कि भाई कोई भी गरीब से गरीब लड़का के लिए वो बड़े से बड़ी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सपना देख सकता और उसका सपना पूरा होगा वेरी नाइस सुना है कि आपके पास एक बार घर जाने के लिए नब्बे रुपए की टिकट थी आपके पास थे नहीं नब्बे रुपए चालीस रुपए थे तो इसलिए आप जा ही नहीं पाए घर कुछ ऐसा भी कुछ हुआ था वो दिन मेरे ज़िंदगी का सबसे मतलब अजीब सा दिन था क्योंकि हम जब कोचिंग चालू किए तो हम एक मेरे दादाजी ने हमसे जब प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा आने लगी तो दादाजी ने बताया कि देखो सपने तो इंसान के बहुत बड़े होते हैं सपने कभी मतलब ख्वाहिशें ख़त्म भी नहीं होती हैं लेकिन कुछ ज़रूरतें होती हैं तो पहले अपनी ज़रूरतों को देख लो फिर उसके बाद अपने सपनों के लिए आगे बढ़ना और दादा का रोल बहुत बड़ा होता है ज़िंदगी में एक पोता के लिए उसकी ज़िंदगी का पहला दोस्त उसका दादा होता है और एक दादा के लिए उसकी ज़िंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है तो मेरे दादाजी ने एकदम दोस्त कितर रहे उन्हें तो सबसे पहले हमने होम ट्यूशन चालू किया जहाँ से हम बेसिक चीज़ें निकाल सके तो पहली बार हमने एक बच्चे को होम ट्यूशन दिया तो उसको छः सौ रुपये मिले वहाँ से जिससे कुछ रूम रेंट वगैरह निकल जाए फिर एक आठ सौ का मिला ऐसे मिलते मिलते गया उसके बाद हम एक कोचिंग्स में गए पढ़ाने के लिए तो वो कोचिंग में शुरुआत में चार पांच लड़के थे अगले दिन पचास साठ हुए फिर धीरे धीरे बढ़ते गए एक हफ्ते में पूरा क्लास ही चेंज हो गया तो हम पढ़ाने लगे कोचिंग बहुत अच्छे चलने लगी तो उन लोगों ने कहा कि फीस आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसे तो वहीं से आएंगे आप तो हमने फीस बढ़ाने का विरोध किया तो उन लोगों ने कहा ऐसे नहीं होगा तो फिर हम अपने से पढ़ाना चालू कर दिए तो हमारी कोचिंग में क्या हुआ कि बम चल गया बम एक्चुअल बम वहाँ पे धड़ाधड़ गिरने लगा हम लोग को दिमाग काम नहीं किया वहाँ पे और क्या कीजिए साझी चीज़ें तहस नहस हो गई अब हमको लगा कि अब घर जाना पड़ेगा और घर जाने के लिए पैसे नब्बे रुपये चाहिए होते हैं हमारे पास वही चालीस पचास रुपए थे तो हम कहें कि अब घर भी नहीं लौट सकते यहीं रुकते हैं शायद कोई रोक रहा है हमें वाह तो जहाँ चालीस पचास रुपये की बात थी मैंने सुना है कि आपको अभी थोड़े दिन पहले ही किसी एजुकेशन कंपनी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ नौकरी और इनको जॉब ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का तो यू नो व्हेन एक वो दिन भी आपने देखे हैं जो 40-50 रुपए नहीं है घर जाने के दुकान बंद करके और 100 लेकिन स्वैग देखो आप मना कर दिया हमने मना कर दिया है हमको 140 करोड़ नहीं चाहिए हमें 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था पुलिस बाद में आई थी अगल बगल जितने लॉज थे जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सबको और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगे डर के मारे बंद हो गई थी और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी बाकी बच्चे नीचे खड़े थे ये एक करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता और हम जिस जगह से आए हैं बिहार से यहाँ का अलग ही एक स्वैग है वो तो मुझे पता है हाँ। हम लोग उसका अलग हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी के पहाड़ तोड़ देता है अरे वाह हमारे यहाँ उगते हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है तो हम उस जगह से आए जहाँ पे किसी को अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है तो नहीं हो सकता है वो अरे वाह लेकिन यू uh, नो you know, अभी ये ऐसा फील्ड बन गया है कोचिंग एजुकेशन वगैरह जहाँ लोग बहुत आप बात अलग है लेकिन लोग बहुत पैसे बना रहे हैं लाइक like, ऐसे खबरों में में तो आ रहा है बहुत करोड़ों हमने यूपीएससी जो चालू किया पैसा आपको मोटिवेट नहीं करता नहीं पैसे हमारा एक अलग सपना है अब किसी को बोलते हैं तो उसको अजीब सा लगता है जैसे कोई घर है अगर वो सड़क से ज्यादा नीचे धस गया तो टेक्नोलॉजी आ गई है जैक लगा के उसे उठा देते थे तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे स्टूडेंट हमारे इंडिया में भी ना एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा हो गया है कि जो जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं तो हमने इंडिया के सबसे बेस्ट टीचरों के साथ अपने साथ जोड़े और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो जुड़े और जो फीस यूपीएससी स्पेशली कहते हैं जो सबसे इंडिया में टॉप एलीट जॉब वही है उसकी जो फीस 2.5 लाख थी सेम टीचर के साथ सेम पढ़ाई को हमने 7500 रुपए में दे दिया 2.5 लाख से 7500 वाओ इससे क्या होगा कि हर गरीब लड़का भी पढ़ सकता है। होता क्या था सर कि यूपीएससी निकालने के बाद तो हाँ पब्लिक रहती थी उनका बहुत नीचे रहता था। तो अभी इतनी सस्ती फीस होने के हर कोई पढ़ेगा और पढ़ने के बाद जब वो मेंटल लेवल बढ़ेगा तो कुर्सी पर बैठने वाले अधिकारी और सामने की पब्लिक केवल अंतर रहेगा तो कुर्सी का बाकी मेंटल लेवल समान रहेगा कोई शोषण नहीं कर सकता वहां पर मैं आपसे वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा इनफैक्ट यूथ जो है आज भारत का यूथ है कोई एवरेज लड़का है लड़की है चाहे बिहार में है चाहे आसाम में है तमिलनाडु में कहीं भी हो सकता है हो सकती है वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ठीक है और पढ़ाई एक जरिया है पर आप उन्हें ओवरऑल क्या मैसेज दोगे क्या करना चाहिए इंडिया के यूथ को जो लाइफ में अपने आप को ऊपर जाना चाहता है स्पेशली जिस जो हो सकता है हिंदी बोलने वाले बैकग्राउंड से हो हिंदी मीडियम से हो ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर जाना है अपनी औकात पार करनी है जो आपने इतनी ऐसे पार किया कि मतलब 107 सौ सात करोड़ होकर नहीं चाहिए मतलब दैट लेवल तक डेफिनेटली आपके पास लेसन हैं बच्चों को देने के लिए उनको आप क्या बोलोगे देखिए आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं पढ़ रहे हैं ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सअप उस पर कोई लिंक खुला उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रेक्शन से बचना है मोबाइल तो उसका डिसाइड करो कि भाई हमें अगर दो घंटे चलाना है तो चलाओ लेकिन एक फिक्स फ्रेम होना चाहिए कि दो से चार चलाएंगे उसके बाद किसी का कॉल आएगा नहीं उठाएंगे चाहे कोई भी हो तो उस टाइम फ्रेम के बाद उनको नहीं होना चाहिए दूसरा आज कल और भी कई प्रॉब्लम लड़कों के अंदर में आइडियाज बहुत बहुत है मुझे ये करना है मुझे करना सपने एग्जीक्यूशन नहीं अरे भैया करो ना जब करना है तो चालू करो उसको पे तो टाइम टाइम टेबल टेबल बनाएगा जिस में आएगा ना टाइम टेबल बनाए। आज हमको पढ़ना है और रे को साफ करेगा किताब वगैरह उसमें अच्छे से रखेगा दो दिन फॉलो करेगा उसके बाद पंद्रह दिन बाद तरीका फिर बनाते हैं टाइम टेबल वो गड़बड़ हो गया था आप थोड़ा सा अच्छा वाला बनाना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए सारे लड़कों को अपना स्ट्रेंथ भी देखना चाहिए अगर सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं जिस जिस चीज़ के लायक हैं उसमें तैयारी करना चाहिए शुरुआत में कहीं पे भी एक पहले अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि हमारी यहाँ से ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी अब इसके बाद हमें अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है शुरुआत से अब जैसे गरीब के घर का लड़का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अपने स्किल को मार देता है एक गाँव का लड़का है इतना बेहतरीन डिज़ाइन बनाया आर्ट बनाया पेंटिंग लेकिन वो क्या कर सकता है गांव का लड़का? उसके घर वाले कहेंगे कौन सी पेंटिंग बना रहा है? तो वो ऐसा नहीं स्किल्ड हर जगह है। तो उन लड़कों को भी पहले एक जगह सेटल हो जाना चाहिए यहां पे। उसके पूरी बची है अपने मैंने आप खुद काफी आपको पढ़ना पड़ा आपके जो वीडियो, जैसे फिजिक्स तो मैंने एक एक दिया आपने फॉरन अफेयर्स पे वीडियो बनाए हैं इसराइल पैलेस्टाइन पे रशिया यूक्रेन पे इंडिया पाकिस्तान उस पर तो कॉन्ट्रोवर्सी भी होती है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे कोई टॉपिक ले लो और इतना आप पढ़ाई खुद करते हो और जहां तक मैंने सुना है अब आप तो वन ऑफ इंडिया टॉप टीचर हो लेकिन आप खुद क्लास में कोई अव्वल स्टूडेंट मतलब थर्टी आउट ऑफ फोर्टियथ आए थे आप हम चालीस लड़कों के क्लास में थर्टी आए थे मेरे टीचर परेशान रहते थे कि मेरे स्कूल पर यह धब्बा बन जाएगा हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए ही लेकिन वो मानते नहीं थे ऐसा आस, नहीं कि केवल यहां शुरू में बाद में भी ऐसे ही रहे मतलब धीरे धीरे ऐसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में जिस लड़के को हमने हमसे एग्जाम में पूछ लेता भाई थोड़ा सा हेल्प कर दे तो जानते ही है, थोड़ा चली जाता है। हमने उसको हेल्प किया उसका आया सेवेंटी परसेंट से ज्यादा मेरा फोर्टी एट आया मार्क्शीट फाड़ के फेंक दिए नहीं चाहिए हमको कोई अरे क्या करेंगे वैसे भी हम उसका रख लो भैया वहां पे नहीं तो अब आप काफी पढ़ते हो बिकॉज एक चीज को सिखाने के लिए खुद को समझना है बहुत ही अच्छे से समझना है एक कॉन्सेप्ट को ताकि उसे मैं एकदम सिंपल वे में और बेटर समझा सकूं तो आप खुद काफी पढ़ते हो खुद काफी स्टडी करते हो आ, काफी इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और कई बार हमें लगा कि हम किसी टीम को लगा देंगे वो टीम हमसे परेशान होकर भाग जाती है कि भैया इनके साथ झेलना बड़ा मुश्किल है ये क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में मेहनत ज्यादा करना रहता है वाह और पर आप टीचर वैसे शुरू से बनना नहीं चाहते थे पहले आपका फौज का बड़ा शौक है आज भी मेरा शौक फौज का है मतलब आज भी हमारी ख्वाहिश वहीं है आज भी मौका मिले तो वहीं चले जाए लेकिन मेरा ना हाथ काफी टेढ़ा है यहाँ पे तो इतना टेढ़ा है उन लोगों को लगा मतलब अब गए थे हाँ एन डी हाँ, का एग्ज़ाम दिए यूपीएससी लेती है हम सारे लोगों को बताए थे यूपीएससी एग्जाम लेती है और इसका फीस भी डेढ़ सौ रुपये का फॉर्म आया उस समय एनडीए का हम लोग के समय लोगों को लगा क्या तो हमको सब लोगों को लगा कि अभी फौजी बन जाएगा लेफ्टिनेंट हम गए वहाँ से बाद में पता चला ये गड़बड़ है तो रिजेक्ट हो गए हालांकि ऐसा नहीं है कि वो लोग सेलेक्ट कर लेते तो अच्छा ही करते हैं वहाँ पे कभी कभी हमने फौज पे हथियारों पे मिसाइल पे ऐसी वीडियोस बना देते हैं कि लोग हमको उधर से फोन आने लगता है यार इतना थोड़ी बताना है आप इतना भी मत बता दो वहाँ पे <laughs> और फिर उसके बाद आपने ये शुरू किया मुझे एक बात बताइए अब हम जनरल बातें करते हैं हाँ एक दो आप बिहार से हैं और बिहार को शायद आपसे अच्छा बहुत ही कम लोग समझते होंगे बिहार का पर कैपिटल इनकम या बेरोजगारी या कोई भी इकोनॉमिक मैट्रिक्स आप ले लीजिए आई एम श्योर आपने वीडियो भी बनाए हुए हैं आप तो यूपीएससी की तैयारी कराते हैं सपोज करिए जैसे साउथ की स्टेट्स हैं या कहीं से काफी कम है और ऐसा हिस्टोरिकली नहीं था नहीं। तो क्यों है ऐसा और कैसे बदला जा सकता है देखिए बिहार के पिछड़ेपन का कई कारण है तो हमें अब उस कारणों के पीछे अब उतना भागेंगे लोग तो सही नहीं है फिर तो कारण गिना के चलेंगे हाँ अब आगे बढ़ सकता है अब हम बच्चों से जब मिलते हैं तो उनके अभी क्या कार? एक दो कारण तो बताइए देखिए एक वहां पे एजुकेशन सिस्टम जो था पूरी तरह से चरमरा गया है एजुकेशन सिस्टम जो अच्छा है वो इतना महंगा है कि एक लेवल के लोग वहां जा नहीं सकते उस चीज़ों को दूसरा किसी भी तरह का कहीं पे भी फिनांसियल चीज़ें ना होती हैं एक्टिविटीज़ होती हैं तो बाकी उसके साथ साथ कई चीजें की ग्रोथ होने लगती है जैसे गरीबी अगर घुसेगा ना तो कई चीज़ों को तबाह करके रख देता है वहां पर तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गरीबी ज़्यादा हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं फ्रेड रूल ला दिया गया ताकि यहाँ से मिनरल्स वगैरह उस समय झारखंड साथ में था भी तो यहाँ से मिनरल्स बाहर जाते थे तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती थी जिस वजह से इंडस्ट्रीज को लगा कि क्या जरूरत है यहाँ इस्टेब्लिश करने में नेचुरल प्रॉब्लम्स भी है बाढ़ वगैरह की तो कई कारणों से बिहार काफी पीछे रह गया लेकिन अभी का क्या है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है एक ऐसा हथियार है एजुकेशन जो किसी मेटल डिरेक्टर में भी नहीं पकड़ा जाता है लेकिन इसकी एक ही खराबी है कि ये काफी लॉन्ग टाइम समय लेता है चावल की खेती एक साल में रिजल्ट दे देता है शीशम सागवान लगाइएगा पंद्रह साल में हो जाएगा एजुकेशन 20-25 साल लेगा, लेकिन एक ऐसा इन्वेस्ट है, जो के यूथ में वो चीज़ आ गया है। अब वो ना ब्रॉड लेवल पे सोच रहे हैं और कई बार ऐसे यूथ भी घबरा जाते हैं कि, सर, कही -कही ऐसे भी आती है कि इतना पढ़ा लिखा होकर छोटा जॉब कर रहा है ये हकीकत है और इसे देखा भी गया है कि बहुत पढ़े लिखे लोग छोटे जॉब में भी गए लेकिन वो बहुत दिन तक वहां रुकेगा नहीं वो वहां नहीं रुकेगा मैं दरिया हूं अपना हुनर जानता हूं जहां से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा तो एजुकेशन वाले लोग जहां भी जाएंगे वो कुछ देर तक किसी प्रॉब्लम से वहां रुक सकते हैं लेकिन फिर वो अपना रास्ता निकाल लेंगे तो हर बच्चों को यही कहते हैं थोड़ा वक्त लेगा लेकिन एक दिन जब पलटेगा ये वक्त तो पूरी दुनिया देखेगी थैंक यू आपको लगता है एजुकेशन क्वालिटी uh, एजुकेशन है ना क्वालिटी एजुकेशन कम प्राइस में दी जा सकती है बिकॉज एक्चुअली आप एक्सेप्शन है इन मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की सीट ले लीजिए या एम की सीट मैंने सुना है एक एक करोड़ रुपया मतलब फ़ौरन जाके मेडिसिन करना ज़्यादा सस्ता हो गया इंडिया से ऐसे भी हैं करोड़ करोड़ रुपये में डिग्रियाँ हैं वो कहते हैं कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन देनी है तो भाई लगेंगे पैसे अब कैसे करें कैंपस बनाना है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ये बनाना है वो फैकल्टी लेनी है आप कह रहे हो कि लो कॉस्ट एजुकेशन भी अच्छी क्वालिटी की दी जा सकती है बिल्कुल दी जा सकती है और हमने किया भी है अगर किसी चीज़ किसी लड़कों से हमने हम यही कहते हैं कि अगर आपको इंडिया के किसी बेस्ट टीचर को ढूंढना है तो दो तरीके हैं या तो आप सर्च कीजिए हुई बेस्ट टीचर फॉर यूपीएससी या तो आप खान ग्लोबल स्टडीज पे आकर चेक कर लीजिए यहाँ कौन पढ़ा रहा है तो दोनों में रिजल्ट सेम ही आने वाला है यहाँ पे अब गौर जैसे आप कह रहे हैं कि एजुकेशन को चेंज किया जा सकता तो है गवर्नमेंट किसी चीज़ को लेकर पकड़ के बैठ गई है मेडिकल कॉलेज के इतने नॉर्म्स हैं यूनिवर्सिटीज के इतने नाम से हम चाहते हैं कि हम लोग के पास जैसे एजुकेशन सिस्टम में कुछ सुधार होना चाहिए एजुकेशन एक अलग चीज है स्किल एक अलग चीज है आप यहाँ पे बैठे हैं ड्यू टू योर स्किल वरना सवाल तो कोई भी पूछ सकता है तो एज इट इज महत्व देना चाहिए एग्जाम में कि अगर 500 का एग्जाम है किसी एकेडमी की चीजों की तो उसमें 250 एजुकेशन होना चाहिए और 250 उसमें स्किल होना चाहिए हम लोग किस पे भाग रहे हैं एजुकेशन पे स्किल्ड पे नहीं भाग रहे एजुकेशन स्किल्ड एक्सपीरियंस ये तीन चीज चाहिए सबको सक्सेस होने के लिए हम लोग को अगर गवर्नमेंट दे दे कि भैया एक, एक यूनिवर्सिटी आप खोलो हम बताते हैं कि अगर हम लोग को एक परमिशन दे दे तो बाकी यूनिवर्सिटियों को प्रॉब्लम हो जाएगी लोग उंगली उठाने लगेंगे देखिए चार दिन हुआ यूनिवर्सिटी खोले कैसे होता है चीज करेक्ट लेकिन गवर्नमेंट इतने रूल्स बना के रखी है कि जिन्होंने चेंज करना है वो आने में इतना पेपर वर्क देख के परेशान हो जाएंगे आधार कार्ड में नाम सुधरवाने में हालत खराब हो जाता है यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी चीज है आप कंपेटेटिव एग्जाम्स के लिए बच्चों को पढ़ाते हो जो एक इंडिया में बहुत बड़ी नीड है लेकिन कई बार कम्पटेटिव एग्जाम्स की वजह से बच्चे बहुत गलत कदम भी उठा लेते हैं कोटा में आपने सुना होगा यू नो you know, कई लोग अपनी जान पे मैं बोलना ये नहीं चाहता लेकिन आपको पता है क्या क्या कदम उठाते हैं और इतना ज्यादा अगर कुछ कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कितने ज्यादा बच्चों में स्ट्रेस होगा प्रेशर होगा आप भी वो देखते हैं बच्चों में और जिन जो पेरेंट्स ये देख रहे हैं टीवी पे या यहाँ पे उनको क्या कहेंगे कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है क्योंकि इंडिया में कंपटीशन का लेवल कुछ ज़्यादा ही है मैंने सुना है कि एक एक पोस्ट के लिए एक एक जॉब के लिए पता कितने लोग हैं सो कैसे एक आदमी अपना मेंटल हेल्थ या जो कहें उसे अच्छा रखे देखिए बच्चों में एक चीज़ हम ये कहेंगे कि सब अगल बगल के एक्सपेक्टेशन को वो देख लेता है और घबरा जाता है वो अपनी माँ की बातों को सुने जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी कहती थी दुनिया तुम तु, तु बहुत आगे जाएगा हम कहते थे तो टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो तो उनका कहना था तो टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको हम तुमको ज्यादा जानते हैं पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको नौ महीना पहले से जानते हैं तो हमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानेगा यहाँ पे स्टूडेंट को भी कहते हैं एक बार अपने माँ बाप को देखो तुम हीरा हो तुम्हें कोई नहीं बदल सकता है अपने दुनिया के दबाव में नहीं आना चाहिए जिस जिस पे यह जग हंसा है उस उसने इतिहास रचा है वहां पे क्या हो गया ना इतने बॉर्डन डाल दिए गए हैं उनको लगता है कि आईआईटी बहुत या फिर आप एम्स एम हो गया आई हो गया ऐसा नहीं है यहां अच्छे लड़के गए हैं जिन्होंने आईआईटी को अच्छा बनाया है वरना आईआईटी बिना एग्जाम लिए और डायरेक्ट सिलेक्शन देके दिखा दे फिर देखे वो मेंटेन कर पाएगा नहीं वो एग्जाम लेके अच्छे लड़कों को ही सेलेक्ट करके लाती है यहां पे तो लड़कों को भी मेहनत करते रहना चाहिए और कभी सोसाइट वगैरह पे नहीं सोचना चाहिए हो सकता है कि जिनको लगता है कि मेरा एग्जाम नहीं हो पाया आगे जाने के बाद उनकी कंपनी में एग्जाम पास करने वाला इंप्लॉय बन जाए सही बात है नाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आजकल बड़ी खबरें आ रही है एक चैट जीपीटी आ गया है। आपने देखा ही होगा कई लोगों को खतरा हो रहा है कि अब तो इतने बढ़िया कंप्यूटर हो जाएंगे इतने बढ़िया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि वही आंसर लिख देगा वही सब कुछ कर देगा मतलब नौकरियां सारी जगह गायब हो जाएंगी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं और आपको लगता है कि ऐसा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटरवेंशन को थोड़ा कम कर देता है लेकिन ये मिथ है कि आने के बाद काम खत्म कर देगा इंडिया में जब कंप्यूटर आ रहा था तो लोगों को यही लगा था कि पूरी लोगों का काम खत्म कर देगा ये उसी का एडवांस वर्जन है ऐसा नहीं है कि लोगों का काम खत्म आप उस समय एक नए नीड्स होंगे नई जरूरतें होंगी उस पर इंसान शिफ्ट हो जाएगा कभी ये खत्म नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग बहुत हो सकता है इससे बचना चाहिए गवर्नमेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिसयूज को रोकने के लिए एक हार्ड कदम उठाने चाहिए भारत में आई रूल्स उतने मतलब स्टिक नहीं है ज्यादा वक्त बचा नहीं है लेकिन आप काम ही करते रहते हो सारा टाइम काम करते रहते हो हमको तो पढ़ाना रहता है पढ़ा के हटे फिर उसके बाद खाली बैठते तो सोचते हैं कि और कौन से टॉपिक पर इस इस टॉपिक को हमने इस बैच बैच में में ऐसे पढ़ाया अगली बैच में इसको और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं आप इतने सारे बच्चों का सोचते रहते हो नहीं सोचते आपके अपने बच्चे होंगे प्यार व्यार हुआ है आपको कभी दिल आप इतने एग्जाम्पल देते हो मजनू वाले अपने टॉक्स में मैंने देखा है मजनू चार सौ वोल्ट का झटका पता नहीं कितना हाँ तो आपका कभी दिल या आप सिंगल हैं मैरिड हैं मतलब क्या, क्या क्योंकि ये आता है कई बार लोग अब आप इतनी हस्ती बन चुके हो कि लोग ये सब सवाल पूछते हैं सर नहीं देखिए ये सब चीज हम सिंगल ये सब ये लोग तो घर वाले डिसाइड करेंगे उन लोग का गृह मंत्रालय का ये काम होता है ये मम्मी पापा का काम है आज चीजों को आजकल के लड़कों को बस ये कहेंगे ये सब डिस्ट्रैक्शन से उन लोगों को बचना चाहिए यहाँ पर और रही बात हमारा तो हमको मेन काम रहता है लड़कों के बारे में ही सोचते रहे स्टूडेंट को कैसे समझाया जा सकता है अपने ही पानी में घुल जाना ही बर्फ का मुकदर होता है तो हम लोग बच्चों के लिए और उनकी बेहतर कैसे किया जा सकता है इसी पे ज्यादा ध्यान रहता है फिर भी थोड़ा तो मतलब अपने लिए भी वक्त निकालिए कुछ यू आर वन ऑफ मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स नाउ आपको पता है नहीं बात तो नागे हाँ तो ठीक है नहीं नहीं वो तो खैर मस्ती पूछ रहा और जाते जाते बस यही कि काफी हम हमारे पास वक्त नहीं उतना कई बार कंट्रोवर्सीज हुई है आपके वीडियोस पे आपके कंटेंट पे आपके नाम पे आपका नाम असली क्या है कुछ ऐसे ये सब आप उनको कैसे देखते हो हम कॉन्ट्रोवर्सी वाले लोग देखते बिना मतलब की चीजों को interfere करने वो जिस लेवल पे हम लोग बताते हैं उस लेवल पे जाने के बाद किसी को controversy करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग टीचर हैं हम लोग बीच का रास्ता नहीं जो सही है उसको सही बोलेंगे गलत है उसको गलत बोलेंगे अगर कोई गलत है तो उसको पूरा बता देंगे कि देखो ये ये चीजें गलत है और सही है तो उसको पूरा बताएंगे कि यह सही है अब इंसान वन साइडेड होता है वो सोचता है कि हम भी उधर साइड में चले जाए ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है आंसर बढ़िया काम कर रहे हो करते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू धन्यवाद